शंखनाद बज चुका है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। और ये हमारी छोटी ब्लॉगर, और इसके पीछे आप देखते हैं मम्मी आज बुखार में पड़ी हुई है बिल्कुल, और तबीयत बहुत ख़राब, दिन भर लम्पलेट बिस्तर में कंबल ओढ़ के, और उसके बगल में छोटी वाली को खुशी होशी मम्मी के पास ही रहना पसंद है उसको। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और आज घर की बागडोर मैंने संभाल रखी है पूरा, सुबह से लेकर के मेरी शाम तक की ड्यूटी है। आज खाना वाना सब मैंने बनाया। हमने कैसे खाया हम ही जानते हैं, वो खाना बहुत टेस्टी बनाया है। हाँ बहुत टेस्टी, ऐसा बोलना पड़ता है वरना वो भी नहीं मिलना। कैसे खाना बनाया? अच्छा। यस, आज दादू ने कद्दू की सब्जी बनाई। ये वो सब जो घर की पोल खोलने वाले लोगों में से हैं ये। तो दोस्तों आज हम आपको लेके आए हैं एक नए मॉल में। ये देहरादून में एक नया मॉल खुला है, और हम उसके अंदर जाएंगे और आपको घुमाएंगे, इसमें क्या क्या है दिखाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर एक ये गोल्डन स्वैन बनाया हुआ है, गोल्डन हंस मॉल के बाहर, और बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट, बहुत ही बढ़िया फील देने का कोशिश किया गया यहाँ पर। ये इसकी एंट्री है, यहाँ पर चेकिंग होती है। दोस्तों बहुत ही बड़ा मॉल है ये कुछ 4.5 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, 4.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया में, और इसमें कम से कम 100 से ऊपर ब्रांड्स के अंदर हैं, 500 व्हीकल की पार्किंग, कार पार्किंग की इसमें सुविधा है। बहुत ही बढ़िया बड़ा मॉल, अच्छा नया मॉल, आइए अंदर निकलते हैं आपको। सिक्योरिटी चेक के बाद इसकी एंट्री, मतलब बाहर से ही है पर सिक्योरिटी चेक रख दिया इसमें, एक यूनिसन सेंट्री हो, हैप्पी दिवाली। बहुत जल्दी काम हुआ इसका, बहुत जल्दी काम करके इसको दिवाली से पहले ही इसकी ओपनिंग की गई है। ये 14 अक्टूबर को इसकी ओपनिंग हुई है, और जो हमारे स्टेट के CM है मिस्टर धामी, उनके द्वारा इसकी ओपनिंग की गई है। तो आप देख सकते हो, मैं ऐसे दिखाना चाहूँगा आपको, 1, 2, 3, 4, 5 फ्लोर हैं इस मॉल के अंदर। और जैसा कि बाहर एक हंस था, यहाँ दो हंस इन्होंने लगा रखे हैं, दोनों अलग अलग कमल के ऊपर बैठे हुए हैं। और बाहर में तो लाइट नहीं चल रही थी, लेकिन यहाँ वाले में लाइट भी चल रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। जो थीम दी गई वो ये दी गई, एक पॉन्ड है तालाब, उसके अंदर दो कमल हैं और उसके ऊपर दो हंस हैं, बहुत ही सुंदर देखने में। चलिए आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं आगे एक ज्वेलरी का शोरूम है, अगर आपको अपनी वाइफ, मदर, गर्लफ्रेंड, किसी को ज्वेलरी दिलानी हो तो यहाँ से आप दिला सकते हैं। मैंने अभी करवा चौथ में एक फटका खाया है यहाँ से, तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं ऊपर क्या है, एस्केलेटर से ऊपर चलते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हम अपना ऑन करने जा रहे हैं ड्रोन मोड, इस फ़ोन के अंदर ही ड्रोन मोड है, जिसमें आप ऐसे अगर एस्केलेटर में चढ़ के कैमरे को पीछे को देखेंगे तो आपको लगेगा ड्रोन से फ़ोटो ली जा रही हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ता नहीं है ड्रोन, ये एक मंजिल के आसपास उड़ सकता है, लेकिन फीलिंग पूरी ड्रोन वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और ड्रोन मोड को बंद करते हैं। तो अभी हमारा फर्स्ट फ्लोर है, तो कई सारे ब्रांड्स यहाँ पर अभी आ चुके हैं, कई सारी शॉप्स यहाँ खुल चुकी हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी मैक्सिमम शॉप्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर प्रोसेस हैं। तो अभी लगभग 60% या 50% या कम से कम 40% के आसपास तो आउटलेट्स खुल चुके हैं, जिसमें आप कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन 70% या 65% के आउटलेट अभी खुलने बाकी हैं, तो वो सब कमिंग सून है। उम्मीद है कि दिवाली से पहले या इस मंथ तक तो फ़िलहाल बचे हुए सारे आउटलेट्स आ जाएंगे। तो ये है यहाँ पर, और कस्टमर की भीड़ अच्छी खासी है, भाई मैं आपको दिखाऊँगा आगे
कस्टमर्स की भीड़ भाड़ कितनी है। अभी मैं आपको सारे फ्लोर्स में भी लेके जाऊंगा, पर अभी यहाँ पर थोड़े कपड़ों के ब्रांड्स आए हैं, थोड़े पीवीआर आ गया है, यहाँ पर फूड कोर्ट आ गया है, फूड कोर्ट भी आधा ही खुला है अभी तो। लेकिन यह है कि अभी मॉल बहुत स्पेशियस है, बड़ा स्मॉल है, तो ब्रांड्स काफ़ी आएंगे यहाँ पर अभी। और ये इसका जस्ट है कि कौन से फ्लोर में क्या चीज़ है। जो पीवीआर है आपका फोर्थ फ्लोर में है, और फिफ्थ फ्लोर में आपका एक खाने का रेस्टोरेंट है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों कस्टमर आने शुरू हो चुके हैं, चहल पहल काफ़ी है मॉल के अंदर अभी। अभी सब लोग एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं, नया एक्सपीरियंस सबके लिए, क्योंकि नया मॉल खुला है। ऑल दो अभी सारे आउटलेट्स ओपन नहीं हुए हैं, पर फिर भी लोग आ गए हैं, अभी इंजॉय कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं नए मॉल को। आप अभी वीडियो देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। दो स्वैन में लाइट जल रही है, गोल्डन स्वैन। मुझे थोड़ा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि आसपास सराउंडिंग में शोर बहुत है, तो इसलिए शोर से, ताकि शोर से डिस्टर्बेंस ना हो, मुझे थोड़ा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और अब हम आ गए हैं फोर्थ फ्लोर में। यहाँ पर फूड कोर्ट है और पीवीआर है, ये आप देख सकते हैं। एक बहुत ही मशहूर पिज़्ज़ा ब्रांड की चेन है ये। इसके अलावा आपकी दो तीन और जो फेमस चेन है वो भी यहाँ पर आ रही हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट आपको दे रखा है बाहर गैलरी में बैठने के लिए। तो अभी फोर्थ फ्लोर में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपका एक चेन खुली है पिज़्ज़ा की, एक आपकी आइसक्रीम की खुली है, और पीवीआर खुला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम फोर्थ फ्लोर में खड़े हैं इस समय, और सामने ऊपर जो फिफ्थ फ्लोर है वहाँ पर अभी काम ही चल रहा है, फिनिशिंग नहीं हुई वहाँ पर, और अभी ना फ्लोर खोला गया है कस्टमर्स के लिए, तो उस फ्लोर में काम चल रहा है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ फोर्थ फ्लोर से नीचे का व्यू एक बार, तो देखिए बहुत ही सुंदर व्यू। नीचे दो हंस चमकते हुए, सुनहरे हंस लाइट में चमकते हुए, और उसके आसपास कस्टमर भिनभिनाते हुए, कितना बढ़िया नज़ारा है, सुंदर बहुत ही। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट टूर यहाँ के नए मॉल का। ये मॉल आपका खुला हुआ है गड़ी कैंट रोड में, न्यू गड़ी कैंट रोड में। जब आप दिलाराम चौक से मुड़ते हो गड़ी कैंट के लिए, तो पासपोर्ट ऑफिस जो पड़ता है उससे थोड़ा सा पहले। ये 14th of October को खुल चुका था, तो काफ़ी इसमें काफ़ी सारे आउटलेट खुल चुके हैं, लोग आना शुरू हो गए हैं, ओपन फॉर पब्लिक हो चुका है, और काफ़ी आउटलेट खुलने बाकी हैं। तो आपको टाइम लगे तो आप आए, इसमें एक अच्छा एम्बियंस देने की कोशिश की गई है यहाँ पर, और सारे अच्छे ब्रांड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं अंडर वन रूफ। तो आपको कपड़ों की शॉपिंग करनी हो, ज्वेलरी की करनी हो, या फिर आपको बच्चों के लिए कोई प्ले जोन चाहिए हो, या फिर खाने का फूड कोर्ट चाहिए हो, या पीवीआर, तो सारी ही ऑफर्स सारे ही आपको वन रूफ के नीचे मिल जाएंगे। तो आप आइए और आके एक बार यहाँ विज़िट पक्का करिए जब टाइम लगे। विज़िट करने की प्लेस जगह अच्छी है, बाकी और जब खुलेंगे यहाँ पर आउटलेट तो और रौनक इसकी बढ़ेगी। तो तब फिर एक बार दोबारा आएंगे यहाँ पर, और फिर दोबारा आपको दिखाएंगे कौन कौन से आउटलेट खुल गए हैं। दोस्तों इस ब्लॉग के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ या नए टूर के साथ। ओके, गुड नाइट।